हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। मैं जगदीश ठाकुर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे कम्युनिटी पोस्ट में देखा ही होगा कि भावनगर को एक और नई ट्रेन मिलने जा रही है, वो है मैंगलुरु टू भावनगर वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हाल ही में रेल मंत्रालय ने मैंगलुरु से अहमदाबाद और रामेश्वरम के लिए वीकली एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लेकिन फ्रेंड्स, इन सेवाओं को शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करने का काम अभी बाकी है। जैसे कि अहमदाबाद जंक्शन पहले से संतृप्त है और दक्षिण भारत में जाने के लिए कई ट्रेनें हैं, जिसमें से एक मंगलुरु सेंट्रल अहमदाबाद ट्रेन है। तो अब इसलिए रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन को गुजरात के भावनगर यानी करीबन लगभग 1640 किमी तक चलाने पर निर्णय किया है। मतलब कि यह ट्रेन को अब भावनगर तक एक्सटेंड करके चलाया जाएगा। इस सुविधा को लेकर हजारों लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। आखिरकार गुजरात से मंगलुरु यानी पश्चिम भारत को जोड़ने वाली इन सेवा और तमिलनाडु के रामेश्वरम तीर्थ स्थल जाने के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने का समय अब जल्द ही नजदीक आ गया है। इस पर पश्चिम करावली रेल यात्री अभिवृद्धि समिति के अध्यक्ष श्री हनुमंत कांत जी ने कहा कि यह मांग कम से कम 5 साल पुरानी है। उन्होंने आगे बताया कि दक्षिण कन्नड़ के सांसद नलीन कुमार कतिल जी ने हाल ही में रेल मंत्री श्री को पत्र लिखकर इन ट्रेनों को शुरू करने की मांग की थी। और वहां दक्षिण रेलवे पलक्कड़ मंडल डिवीजन के रेल प्रबंधक श्री त्रिलोक कोठारी ने बताया कि संबंधित रेलवे जोन ने हाल ही में भारतीय रेलवे टाइम टेबल कमेटी की बैठक में इन ट्रेनों को साप्ताहिक सेवाओं के रूप में शुरू करने को मंजूरी दी थी। हालांकि बहुत सारे प्रारंभिक कार्य, जिसमें रेक और लोकोमोटिव की व्यवस्था, टाइम टेबल तय करना इत्यादि चीजों का सामना करना थोड़ा मुश्किल है। और उन्होंने कहा कि ट्रेन के लिए उपलब्ध रूट कौन कौन से रहेंगे, वो भी महत्वपूर्ण बाबत है। इस पर रेलवे मंत्रालय जल्दी ही सकारात्मक परामर्श करेंगे, श्री कामत जी ने और आगे बताया कि तटीय जिलों के गुजरात के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध है और सैकड़ों लोग नियमित रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्रों के बीच यात्रा करते हैं, जिसमें सुपारी, नारियल और निर्माण सामग्री का व्यापार शामिल है। इसी तरह 1500 से अधिक गुजराती परिवार मैंगलुरु में बस गए हैं और उन्हें भी सीधे संपर्क की जरूरत है। दूसरी ओर मैंगलुरु और रामेश्वरम के तीर्थ स्थल के बीच कोई सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है, तो इससे यहाँ के हजारों तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और मैंगलुरु पहुँचने के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। और आगे श्री कामंद जी ने कहा कि बक्षिन कमरेट के सांसद ललीन कुमार कतिलश्री ने इन सेवाओं को शुरू करने की मांग की पहले की थी। समिति को विश्वास है कि रेल मंत्री से जल्द सेवाएं शुरू करने का आग्रह करके सांसद पर इस मुद्दे को तार्किक अंत तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि समिति जल्द ही इस संबंध में एक अनुरोध के साथ सांसद से मुलाकात करेगी और यात्रियों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि रेल मंत्रालय इसके बारे में क्या पॉजिटिव अपडेट्स या न्यूज देते हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।